कितना प्यारा सिनेरिक व्यू है, और वहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। मैंने अभी उसके सिनेमेटिक शॉट्स लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज डे 5 और हम लोग क्रैबी में हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारा लॉन्ग टेल बोट का जो 4 आइलैंड हमें विजिट करने, पोडा आइलैंड और 3 आइलैंड और, वो है, वो राइड है। और अभी हम लोग तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। गाइस, रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, एकदम नेचर को छूते हुए, जिसे कहते हैं कि यहाँ पे फिश पॉन्ड है और पैरट्स हैं और बहुत सारा है, और पास का व्यू तो आपको मैंने दिखाया ही है। ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊँ गाइस कि ये जो है, जो मेरा सेल्फी स्टिक है वो मैंने फ्लोटिंग वाली ले ली है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली ओशन में जाएंगे तो फिर पता नहीं कभी कैमरा गिर जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए मैंने फ्लोटिंग वाली सेल्फी स्टिक ले ली है। लास्ट टाइम जो स्पीड बोट में गए थे तो मैं भूल गया था, तो अभी मैंने पक्के से याद से मैंने इसको लगा लिया है, तो अब मेरा कैमरा काफ़ी सेफ है। सनराइज शर्ट जो हमको लेने आया है, और अभी ये देख रहा है यहाँ पे, ये देखो कि है कि नहीं है अवेलेबल। ये लोग क्या करते हैं गाइस, ये लोग यहाँ पे आते हैं और फोटो खींचते हैं पहले कि हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए, फिर ये लोग हम लोगों की फ़ोटो खींचते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने इन्हें पिकअप कर लिया है, और पूरा पहले लोकेशन वगैरह इधर देखते हैं। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग टाइम के बहुत पक्के हैं, जिस टाइम बोला होगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम आएंगे, 5 मिनट पहले। और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं टूरिस्ट से भी कि वो लोग भी ऐसे ही बिहेव करें, ये नहीं कि 8 बजे का टाइम है और 8:15 तक चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजे का टाइम है तो आप 7:50 तक वहाँ पर खड़े रहिए, नहीं तो वो छोड़ के चल जाते हैं, ये यहाँ का रूल है। और अभी ये बंदा जो है आया तो है, मैं आपको दिखाता हूँ हमें ही पिकअप करने आया किसी और को आया। तो गाइस, ये जो बंदा आया था ये एक्चुअली स्पीड बोट वालों को लेने आया है, और कल मेरे पास मैसेज आया था कि उन्होंने स्पीड बोट में हमें अपग्रेड कर लिया, बट स्पीड बोट हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो मैंने उन्हें बोला कि हमें लॉन्ग टेल ही करना है, वी आर एक्साइटेड फॉर दैट ओनली। तो अभी ये लॉन्ग टेल वालों को लेने, स्पीड बोट को लेने आया है, और हम जा रहे हैं लॉन्ग टेल, तो मे बी शायद हमें कोई और लेने आए। सो गाइस, एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा जो ड्राइवर था वो किसी और होटल चले गया, तो हमें 10-15 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मेरी कोऑर्डिनेटर है थाईलैंड में, जो MMT के थ्रू मैंने बुक करा, उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर असाइन करा यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रीच आउट करा है, ये देखिए, ड्राइवर विल कम इन अबाउट 10 मिनट्स, सॉरी फॉर लेट पिकअप, सो दे विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग। सो वो किसी और होटल में चले गए, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और बोला कि सॉरी वो थोड़ा लेट आएगा 10-15 मिनट, तो वो चीज़ मतलब ठीक रहती है कि हम वेट कर रहे हैं, और मतलब एक हमें पता है कि इतने मिनट में आने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको ये वीडियो के शेयर करने जाता हूँ कि पहले आते ही 7-Eleven से आप लोग एक नंबर ले लीजिए, थाई नंबर, जो कि आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देगा, आप कहीं भी जाएँ जितने दिन की वैलिडिटी होगी उतना आपका इंटरनेट अनलिमिटेड रहेगा, तो आप उससे अपडेट्स ले सकते हैं एक्चुअली। सो हमारे कोऑर्डिनेटर आ गए, या A6, यस अभाष, या ओके। सो ये हमारे जो वो है लॉन्ग टेल बोट, वो इनकी कंपनी को दिया गया है, तो अभी हमें लेने आ गए हैं और हम जा रहे हैं। बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस लॉन्ग टेल बोट का। हम लोग तैयार हो गए, यहाँ पर बैठ चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा वो पॉइंट में जहाँ से लॉन्ग टेल शुरू होगी, और ये हमारे दो पैसेंजर्स हैं जो कि हमारे साथ जाएंगे। अभी हम यहाँ से पानी वानी ले रहे हैं, और अभी 9:30 बजे हमारी बोट है, ये हमें बैंड ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो लॉन्ग टेल बोट में दिखाएंगे क्या हमारा डिसीजन लॉन्ग टेल बोट का सही रहा। अभी भी हमें लोग फ्री अपग्रेड के लिए बोल रहे हैं स्पीड बोट में, बट स्पीड बोट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो क्या फ़ायदा, तो इसलिए लॉन्ग टेल बोट में जाएंगे और दिखाऊंगा आपको कि हमारा ये डिसीजन सही रहा कि नहीं रहा। सो गाइज, हम यहाँ पहुँच चुके हैं स्पॉट में, और ये नांग एंड पायर क्राबी थाईलैंड ये लिखा है यहाँ पे, यहीं से बोट चलती है, लॉन्ग टेल बोट भी यहीं से चलेगी, और बहुत काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और ये देखो बोर्ड
ये पूरे सब लोग बैठे हैं तो गाइस क्या प्यारा व्यू है और अलग ही एक्सपीरियंस है। अच्छा हुआ हमने स्वीट बोट नहीं ली और लॉन्ग टेल बोट ली और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। तो अभी हम वापस आए, हमारी बोट पे कुछ इश्यू था तो इन्होंने यहीं रेक्टिफाई कर लिया। अभी ये दूसरी बोट भेज रहे हैं बड़ी वाली जिसमें कि 30 पीपल आ सकते हैं और हम इन टोटल 16 लोग हैं तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू है। Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, dance, dance. Smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you what time that our days will never end, yeah. No. Okay, so this is Chicken Island and this is? Yeah, this is the boat party for behind of the Taj Island. We come here in Taj Island. We will walk from here and after this, we will walk from here to the another side of the beach. No, island, back at the sand bank when water the low tide. We will come here for the party. Right now, from Chicken Island, water is very high tide. We cannot see anything. After this, we will go there for okay. We stay here until 1 o'clock. गाइस करेंटली वी आर इन थप आइलैंड और ये बहुत प्यारा आइलैंड है यार, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ऐसा अभी तक मैंने थाईलैंड में भी नहीं देखा कहीं भी। तो अभी क्रैबी में जो ये थप आइलैंड है, दिस इज़ वेरी नाइस। तो ना प्यारा सीनरिक व्यू है और वहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है, मैंने अभी उसके सिनेमेटिक शॉट्स लिए। बैटरी गाइस 12% ही रह गई है तो मैं अगला व्लॉग जो कंटिन्यू करूँगा थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट्स लूँगा, वो भी फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन की भी 50% बैटरी है और क्योंकि हमें यहाँ पे स्नॉकलिंग करनी है दोबारा से और स्कूबा करनी है। तो मैं अपने साथ पावर बैंक वगैरह कुछ नहीं लाया हूँ, बस एक फ़ोन और एक ये, क्योंकि दोनों वाटरप्रूफ हैं और इवन हम बैग भी नहीं लाए। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है यार, मतलब बहुत ही प्यारा हो जाएगा आपको यहाँ पे, ज़रूर आएँ। थप आइलैंड है जो कि ये आपको मिल जाएगा फोर लॉन्ग आइलैंड जो आप करेंगे, पोडा आइलैंड क्रैबी से अगर आप बुक करेंगे लॉन्ग टेल बोट में तो आपको एक आइलैंड ये थप आइलैंड भी लाएंगे जिसको एक कुहू आइलैंड भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल और मैं पास से थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए ये बोट्स हैं और इतना प्यारा व्यू देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है एक एक। यहाँ पे गाइस एक चीज़ और, यहाँ पे फिशेस आपको जा रहे दिखेंगे, फिशेस के लिए आपको अलग से चिकन आइलैंड जाना होगा जो कि इसके पास में ही है। अभी हम अगला स्टॉप वहीं लेंगे और फिर अपना ये हमारा जो है ऑफ हो जाएगा, जो भी हमारा ये एडवेंचर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो चिकन आइलैंड जाके मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा स्नॉकलिंग ही बनाऊँ, वैसे मैं बना चुका हूँ वो फिफी आइलैंड में, बट दिस इज़ डिफरेंट देन फिफी यार, मतलब अगर आपने फिफी आइलैंड विजिट भी करा है तो ये ज़रूर करें क्योंकि दिस इज़ अमेजिंग। तो वी आर बैक फ्रॉम दैट लॉन्ग टेल बोट जो कि जिसने हमें चार आइलैंड घुमाए, पोडा, चिकन और दो आइलैंड और थे। सो बहुत ही मज़ा आया गाइस, मतलब वो ऐसा एक इवेंट था, मुझे इवन क्रैबी के जो बीचेस और जो आइलैंड है वो मुझे फिफी आइलैंड से ज़्यादा अच्छे लगे।
गाइज इसमें क्या होता है कि मतलब क्रैबी के जो आइलैंड थे ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुंदर थे वैसे देखने में वैसी आई से, बट फीफी आइलैंड का सिनेरिक व्यू है इसलिए फीफी आइलैंड ज़्यादा फेमस है, बट क्रैबी में हमने बहुत मज़ा करा। और स्नॉकलिंग में तो गाइज क्या मज़ा आया भाई, बहुत ही गजब, नीचे इतना सही कोरल दिख रहे थे, मतलब लिटरली हमने बहुत इन्जॉय करा। और ये वाला जो टूर है क्रैबी से जो ये चार आइलैंड पड़ते हैं ये ज़्यादा दूर आइलैंड नहीं है, जबकि अगर हम फुकेट से फीफी आइलैंड जाते हैं तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें एक घंटा में जाने में लगता है और एक घंटा आने में स्पीड बोट से, बट यहाँ हम नॉर्मल बोट से गए थे, लॉन्ग टेल बोट से, तो काफ़ी अच्छा था। और ऐसे ही हुआ जैसे फीफी आइलैंड में हमारे साथ हुआ था, जैसे ही हम लोग वापस आने का टाइम हुआ वैसी बारिश शुरू हो गई और दोबारा से वो वेव्स वगैरह आ जाती हैं। सो यहाँ का भी ऐसे हुआ, जैसे ही हमारा वापस आने का टाइम था एकदम से बारिश शुरू हो गई और हम लोग टाइम से पहुँच गए। और जो मज़े हमने किए ना लिटरली मतलब इट इज़ वेरी सूदिंग और बहुत रिलैक्सिंग था। और अभी हमारे बीचेस सब खत्म हो गए हैं, कल हमारी शाम को यहाँ से क्या फ्लाइट है बैंकॉक ले, और कल का दिन भी मतलब ऑलमोस्ट हम लोग क्रैबी में ही हैं। सो इसके बाद बैंकॉक जाएंगे, बीचेस आर ओवर नाउ, नाउ इट्स टाइम फॉर सम शॉपिंग जो कि हम बैंकॉक से करेंगे। और आई विल जस्ट लेट यू नो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट नाउ बिकॉज मेरे को बहुत भूख लग रही है और मैंने अभी यहाँ पे पूल में नहाया भी हूँ और साथ में मतलब भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं और बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, मैं सब चीज़ गैजेट्स अपने चार्जिंग पे छोड़ के जा रहा हूँ। गाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो एंड कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग बाय बाय। ये ताज पैलेस होटल है जहाँ पे मैंने अभी खाना खाया, बहुत अमेजिंग खाना था और बहुत मज़ा आया। मैंने आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या लिखा है, स्नैक्स और जस्ट ड्रिंक्स ली थी बट इट वॉज अमेजिंग, स्नैक्स में बहुत मज़ा आया और काफ़ी टेम्पटिंग था। और बस क्या बताऊँ मैं, अभी हम लोग जाते हैं स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं कहीं और कुछ खाते हैं। आज का दिन पूरा दिन शॉपिंग और खाना ये सब ही होगा, आज क्रैबी में हमारी लास्ट नाइट है, कल हम होंगे इस टाइम बैंकॉक और बैंकॉक का व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं एंड कर रहा हूँ, बैटरी बिल्कुल नहीं है, मैं हर समय बैटरी के लिए इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सही में बैटरी नहीं है, हर समय मेरा फ़ोन हॉटस्पॉट पर नहीं तो कहीं ना कहीं रहता ही है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। Bye. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. I wonder.